साथियों, मैं जजे कम्युनिकेशन का एक पर्दाफाश आप सबके सामने किया था, उस व्यक्ति ने मुझे ही गलत ठहरा दिया जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। साथ के साथ जिन व्यक्ति को मैं वीडियो बनाया था उनके पूरे परिवार के साथ साथ मैं आस पड़ोस से भी मिला हूँ, सबके साथ में वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग मुझे झूठा साबित कर रहा था, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है आपके सामने है, तो वो उन व्यक्ति का पूरा परिवार आपके सामने है। साथियों, मैं आया हूँ यह भैया के पास मेरा वीडियो झूठा साबित करने के लिए। अगला ने गाड़ी में बैठाया, धमकाया और जो भी किया, इनका कहना है कि 10,000 रुपए मुझे आपके वीडियो के बाद मुझे देकर गया है। इसमें कितना सच्चाई है ये आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूँ। 10,000 रुपए दे गए हैं गाड़ी में बैठा के, मैं झूठ क्यों बोलूं? आपको 10,000 रुपए दे के गया गाड़ी में बैठा कर? हाँ। कब दे के गया है? रात में, कल शाम को। हाँ। अच्छा, जब मैं वीडियो बनाया था उससे पहले आपको कोई पैसा दिया था? कुछ नहीं दिया था। नहीं दिया था आपको? अब हमको बोल दीजिए। आप इनका कौन है? मैं पति पत्नी। नहीं, कल से पहले 10,000 रुपए दिया था? हाँ दिया था। तो पर नहीं दिया? नहीं दिया था। नहीं दिया कल से पहले। वो तो कह रहे हैं कि 150 रुपए रोज की जो इनका खर्चा है वो भी होता हूँ। नहीं, झूठा है। उनका कहना था कि 150 रुपए जो रोज के खर्चा है वही मैं होता हूँ। साथ में उनके सारे पड़ोसी जो घर के साथ में रहते हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करूंगा। भैया, क्या इनको 10,000 रुपए मेरे वीडियो से पहले देखे गए? भाई, आप वीडियो बनाने जब आए थे उसके पहले ये 500 रुपए दे के गया था, और उसके बाद? उसके बाद में अब ये दोबारा से आया है तो इसको 10,000 रुपए दे के गया है गाड़ी में बिठा के। ऐसा ही है भाई, वो पहले 500 रुपए दिया था और आईफोन उसने दिया नहीं, ठीक है ना? तो भैया, मैं झूठ बोलता हूँ या भाई साहब झूठ बोलते हैं? भाई वही झूठ बोल रहा है। वही झूठ बोल रहा है जब वो ये कह रहा है। वही बोल रहा है झूठ, इसका मतलब तो यही है भाई, वही झूठ बोल रहा है। नहीं, उनका कहना है कि मैं आया और इनको ये डर हुआ। अच्छा, मैं जब आपके पास आया था तो आपको ऐसा लगा कि मैं आपके पैसे छीन लूंगा? नहीं। उनका यही कहना है कि जब वो रेडी वाले के पास पहुंचा तो बहुत से डर गए, ऐसा हुआ था क्या? मेरे से डर गए थे आप? ना। ये डरता है क्या तू? बताओ। नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं। डरने को? तो साथियों, आप जरूर बताएं कि क्या वीडियो में सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सही। दूसरी बात, ये बेचारे इतने मजदूर हैं कि इनके दोनों कान तक नहीं है और इनका वो भाई साहब नजायज फायदा उठा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, ये वीडियो बहुत कम है। और भी वीडियो मेरे पास है उनका, जिनको फोन दिए है और वापिस फोन ले लिए है। मुझे भी जान से मारने के कंटिन्यू फोन आकर धमकी दिया जा रहा, जिसका शिकायत